हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हाँ हेलो जी, रेखी जी कहाँ पर है सर? सर हैं कौन आप आप कहाँ पर है अभी? अरे भाई साहब? कौन हो आप ये तो बता दो, कहीं चोर वोर हो, कहीं डाकू उठा के ले जा तो। अरे हाँ तो सर बताना तो पड़ेगा ना सर। तो क्या पता, डाकू हो डाके ले जाओ तो पता करना पड़ेगा ना। मैं भी तैयारी रखूँ लट्ठू नहीं वगैरह नहीं तेल लगा के। नहीं नहीं आपको तैयार सर, आप एक बार बताओ, चोर कभी बता के चोरी करने आएगा क्या? नहीं भाई साहब, दो तरीके के चोर होते हैं। क्या पता मैं डाकू हूँ, सही बोल रहे हैं आप। हाँ तो मैं भी ना अपना क्या पता लट्ठे मैं वगैरह चोर हूँ? में तेल लगा के तैयार रखूंगा ना फिर। वैसे एक बात बताओ, सर, चोरों घर पे भी चोरी होती है सर? नहीं, चोरों के घर पे चोरी वैसे जो है ना, मैंने आज तक जितने अपने जो मेरे चेले सपाटे उनको सबको चोरी सिखाई है। एक चेले सपाटा वो अच्छा आया था, वो कह रहा था चोरी करने के बाद, गुरु जी मैं तो चेक कर रहा था कि आप कितने एक्टिव हैं। तो इसलिए अच्छा ना पूरा तैयारी के साथ लट्ठे पे तेल लगाया, और बहुत सारे मेरे पास हथियार पड़े हुए हैं, तो मैं पूरा तैयार रहूंगा इस तरीके से। और मैं दो चार बंदों को भी बुला चलो लूंगा, ठीक है ठीक गली में घेर लेंगे आपको। आप है, बताइए इसके बारे कौन? में डिटेल निकाल लो। ठीक है ठीक है। नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, अब नहीं, आपके एक बार रिश्तेदारों से बता बात दो करेंगे कौन हम। हो भाई साहब आगे। नहीं, रिश्तेदारों से तो बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रिश्तेदार भी खतरनाक है, एक ठीक तो है, मैंने अभी उसको चोरी सिखाई है, वो कम से कम 60 लाख का जहाँ चोरी डिफॉल्ट करके सिखाई है उसी बैठा से है। बात ठीक कर लेते हैं। ठीक है, वो 60 लाख का डिफॉल्ट करके बैठा है, लेकिन वो थोड़ा है, गुस्से है, ढंग से बात करना उससे। ठीक है, हेलो मिस्टर अविनाश सिन्हा बात कर रहे हैं। मैडम मिस्टर अभिनय सिन्हा बात कर रहे हैं। जी वेरी गुड आफ्टरनून, श्वेता बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से, आपके फाइनेंशियल मैटर के रिकॉर्डिंग कॉल से। हाँ मैडम, आप ये नहीं बोलोगे ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड हो रहा है? जी, मैडम आप ये नहीं बोलोगे ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड हो रहा है? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेबल लाइन पे ही बात हो रही है सर। आपके मैडम आप नहीं फाइनेंशियल मैटर बोलोगे, की रिकॉर्डिंग कॉल है, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर दीजिए अकाउंट रिकॉर्ड पर्पज के लिए। भूल गया मैडम, वो जी भूल गया मैडम, वो मेल आईडी या हाउस एड्रेस वेरीफाई करा दीजिए सर। नहीं मैडम, मेल आईडी तो याद नहीं, हाउस एड्रेस बदल दिया है। क्या है? मैडम मेल आईडी याद नहीं है और हाउस एड्रेस बदल दिया है। अच्छा तो कोई इशू नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करा दीजिए मिस्टर अविनाश सिन्हा जी। क्या मैडम डेट ऑफ बर्थ भूल गया ना, वही तो बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी। भूल गए हैं आप? कोई सुनिए, आप मिस्टर अविनाश सिन्हा ही बात करें, कोई इधर पर्सनल बात कर रहे हैं? मैडम मैं तो मिस्टर अविनाश सिन्हा ही बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपकी कार्ड एंडिंग है 7603, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है सर। इसे कैसे क्लोज करेंगे? 93,400 मैडम ये कौन से बैंक का कार्ड है? 90 रुपीज का सर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी हाफ सर। मैडम कार्ड इतने हो गए हैं ना, ध्यान नहीं रहता एक जी। तो मैडम आप इसको बताइए इसे कैसे करके क्लोज करेंगे सर? आपके कहने पर, 93,490 बस मैडम आपके कहने पर इसको कर देंगे 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर? क्यों? आपके कहने पर मैडम, वरना मैडम इसको मैं पता 3 महीने बाद देता। क्यों पेमेंट करेंगे मैडम इतने मनी टाइम प्रॉब्लम बाद? चल रहा है ना, इसलिए 1.5 महीने बाद दे दूंगा। 1.5 महीने बाद क्यों करेंगे सर? मैडम क्योंकि मनी प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो 1.5 महीने बाद क्यों करेंगे पेमेंट सर? आप अरेंज कर लीजिए, 2 दिन का टाइम ले लीजिए, अरेंज कर लीजिए सर, किसी से बोरो कर लीजिए। ऑलरेडी आपका 30 जनवरी 2024 से कार्ड राइट ऑफ है सर। बोरो हो नहीं पाएगा मैडम, नहीं हो पाएगा तो आप मिनिमम का लाइए सर। मैडम बेयर मिनिमम भी टोटल नहीं नहीं कर है पा अभी। रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप टोटल नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है, आप मिनिमम कराइए सर। मैडम टेन अभी तो थाउजेंड का पेमेंट अरेंज करके अपडेट कराइए सर। मैडम बेयर मिनिमम भी नहीं है। मिनिमम नहीं है सर तो कब तक हो जाएगा? कब तक अरेंज हो जाएगा सर? मैडम मिनिमम ये एटलीस्ट 10,000 या 5,000 सर। मैडम आपने बेयर मिनिमम सुना है? बेयर मिनिमम जी, आपने बेयर मिनिमम सुना? बेयर मिनिमम क्या अननेसेसरी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको आपने पता है रिकॉर्डेबल लाइन पे बेयर बात हो मिनिमम रही है सुना सर। है? बेयर मिनिमम आप मुझे पेमेंट का बताइए सर, मैडम इधर आपको भी उधर ढंग से करना जो है छोड़ ना, दीजिए, पेमेंट का आपको ढंग बताइए से सर। रिकवरी की नॉलेज ही नहीं है अभी, पूरी तरीके से लग रहा है नई नई एजेंट हो। नहीं आपको सर, आप कस्टमर मुझे कह रहा आने है, वाले बेयर अपने मिनिमम कार्ड सुना है आपने? बेयर मिनिमम आप मुझे
मैडम पहले जो है ना टीएल से ट्रेनिंग लेकर आओ, पहले टीएल से ट्रेनिंग लेकर आओ। आपको जो है ना पेमेंट का बताइए सर, पेमेंट का मैडम वही बता रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप खुद ही नहीं जानती अभी रिकवरी को ढंग से, रिकवरी कलेक्शन को नहीं जानती हैं आप। आप जानते हैं तो कार्ड क्यों राइट ऑफ होने दिया मैडम? ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। पेमेंट कराइए फिर, नहीं कराऊंगा। अननेसेसरी बातें करे जा रहे हैं मैडम, कहाँ कर रहे हो अननेसेसरी बात? आपको आता ही नहीं कलेक्शन करना, रिकवरी करना। आप पहले ठीक हो मैडम, मुझे तो इतना आ रहा है, मैं वहाँ पे आ गया तो आपको सिखा दूंगा पूरा प्रॉपर। नहीं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कार्ड की पेमेंट कर लीजिए, सही बात है सर। अपने कार्ड की पेमेंट कर लीजिए, सही बात है सर। पेमेंट हो नहीं रही है, फंड अरेंज हो नहीं पा रहा है सर। नहीं मैडम मैं इसका करूंगा ही नहीं करेंगे सर, तो आगे आपको सिविल की नीड पड़ेगी ना, जब तो करेंगे ना सर। नहीं मैडम एहसान करें आप देके। नहीं मुझे सिविल की नीड पड़ेगी नहीं, तो मेरे पास ना दो दो तीन तीन सिविल हैं। हाँ बिल्कुल सर, अभी सिविल की नीड पड़ेगी ना जब आप क्लियर करेंगे ना, जब आपको सिविल की नीड होगी ना, जब आपको सिविल क्लियर चाहिए होगा तब आप पेमेंट करेंगे सर, और ये आप टोटल अमाउंट करेंगे सर। ठीक है अभी अननेसेसरी बातें करनी है कर लो सर जितनी भी। मैडम अननेसेसरी, मैंने आपसे कोई आई लव यू थोड़ी बोल दिया, अननेसेसरी बातें, ये रिकॉर्डेबल है, आप क्या बोले जा रहे हैं सर? मैडम अभी तो कुछ बोला ही नहीं है कोई आपसे मैंने। हेलो, हाँ जी सर, कुलदीप जी बात कर रहे हैं? बताइए सर। सुशांत बात कर रहा हूँ अरविंद के बिहार से, पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर लीजिए आप। क्या इशू आ रहा था पेमेंट नहीं होता अपने कार्ड की? कौन सा कार्ड की सर? आपका जो आरबीएल का कार्ड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी पेमेंट नहीं है, क्या इशू आ रहा है? आपका शुभ और प्यारा सा नाम सर सुशांत बात कर रहा हूँ, क्या इशू आ रहा है? सुशांत सर, सुशांत जी अभी जो है ना, आप मानते चलो कुछ दो महीने लग जाएंगे इसको पेमेंट करने में, अभी थोड़ा सा ना मनी प्रॉब्लम से चल रहा है, पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक ही नहीं हो रहा सर, ऐसे क्या इशू आ रहा है क्या आपसे? तो सर ये आपको बताना तो पड़ेगा ना, आपको जब भी कॉल करते हैं आप किया तो कॉल काट देते हैं। आपने बोला एक बार आपकी हमारे एग्जीक्यूटिव से 14 तारीख को बात हुई, आपने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद से जब भी आपको कॉल किया जा रहा है आप स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। मैंने आपको बता दिया सर एक दो महीना लग जाएगा, तो आप एक दो महीने मुझे डिस्टर्ब मत करना कॉल करके, ठीक है सर? सर एक दो महीने का समय होता नहीं है ना सर, अगर मान लो आप मुझे जैसे कॉल करोगे आप, तो फिर मैं आपको क्या मतलब आपको लग रहा है पेमेंट दे दूंगा एक दो महीने से पहले? क्या ऐसा क्या इशू है सर आपको? जिस हिसाब से आप कस्टमर पर ना मेंटली प्रेशर डालते हो ना ऐसे कॉल कर करके बार बार, तो वो कस्टमर आपको जो पैसे एक दो महीने बाद देगा ना, वो कम से कम देगा आपको 6 महीने 1 साल बाद, बल्कि वो भी नहीं देगा, बल्कि अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो। सर देखिए आपको रिपीटेड कॉल्स आते हैं कि आप पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, अब आप मुझे कह रहे हैं कि आप जो पेमेंट है वो नहीं देंगे, क्या मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है? है तरीका तो आप बताइए। आई अंडरस्टैंड कि आपको जो आपका जो फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो ये क्या तरीका है कि आप एक बैंक के एंड से आपको कॉल आ रहा है, या तो कॉल उठा नहीं रहे, आपने एक बार कॉल उठाया आपने बोला मैं नहीं पे करूंगा, ठीक है, उसके बाद से आपको या तो कॉल करें आपको या तो नंबर स्विच ऑफ जाता है, या फिर आप जो है रिंगिंग पे छोड़े थे, आप आंसर ही नहीं करते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है सर? तो सर अब आंसर कर दिया मैंने आपको, तो आप ये बताइए पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? कि आपका ज्यादा आपको ये नहीं कहा जा रहा ना कि टोटल अमाउंट आपको 1,13,000 का जो बना हुआ है बिल आपको पे करो, एटलीस्ट सर अपना मिनिमम अमाउंट क्लियर तो आपसे आप जिस हिसाब से आप मुझसे बात कर रहे हो, तो आपको ये तो लग रहा होगा जैसे आपने मुझे लोन दिया कोई 11% होगा, नहीं कुछ समझदार होगा कुछ तो रखता होगा सर, उस हिसाब से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर ये प्रॉब्लम है, तो सर ये मतलब है ना ये अभी सॉल्यूशन इसका जो है ना वो अभी 2 महीने बाद ही होगा, जैसे होगा 2-1.5 महीना आप लग जाएगा, इतना कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मान के चलो आप। सर कुलदीप जी बता सकते हो करते आप सैलरी पर्सन है या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? अभी सर पीछे ना वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, अभी पीछे मेरी जॉब भी चली गई थी तो दोबारा जॉब ढूंढी है वो लगा हुआ है, थोड़ा सा सर प्रॉब्लम जो है ना पीछे से आ रहा है कुछ 3-4 महीने पहले से, लेकिन सर वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था ना वो बड़ा हो गया, आप
पहले तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर रहा था, चला रहा था काम, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो मुझे इशू है। तो अब आप मानते चलो ये मनी प्रॉब्लम कुछ 2-1.5 महीना मानते चलो। सर देखिए आपके इश्यू की आपके आपने मुझे फाइनेंशियल इश्यू अपना बताया, लेकिन देखिए आप अगर आप देखो 2-2.5 महीने अगर आप जो कार्ड है उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो सर आपके जो आपका सिविल स्कोर है उसके ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा। मैं देखो आपको मैं सही सही बताऊँ ना, तो जैसे आप मुझसे बोल रहे हो सर, मतलब आप मुझे मेरे जो भी है इफेक्ट वगैरह बता रहे हो ना सिविल पे, और भी मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आप जो है ना, आपने नाम क्या बताया था भूल गया, मिस्टर सुशांत, आप कर रहे हो जॉब, तो आपके ऊपर टारगेट होता है, कुछ प्रेशर होता है सीनियर का, तो आपको जैसे मैं समझाऊंगा ना, तो आप एंड में देखो, आप चाहे कितना भी मेरी बात समझ लो अंदर तक, एकदम बिल्कुल दिल तक समझ लो, आप बिठा लो अपने अंदर, तो भी आप एंड में मुझसे जरूर बोल के जाओगे सर पेमेंट करा दो, आपकी जॉब है, आपके ऊपर सीनियर का प्रेशर, मैं समझता हूँ मिस्टर सुशांत। लेकिन मैं मिस्टर सुशांत इतने टाइम बाद ही पेमेंट कर पाऊँ। तो सर आप अभी मिनिमम भी नहीं करवा सकते, 6,000 का अमाउंट है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे जेन्युइन कस्टमर है, लास्ट मंथ की टाइम टाइम से पहले ही पेमेंट हो गई है। बल्कि मिस्टर सुशांत अगर हो पाता तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अब सब तो कर देता सारा काम। ठीक है सर, मैं फ्रेंड से मेंशन कर देता हूँ कि अभी आप पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, फाइनल फॉरवर्ड कर देता हूँ आरटी जी के पास, वो देख लेंगे। एक्चुअली पता क्या सर, जो मेरे सीनियर है ना उनके पास फॉरवर्ड करूंगी, देखिए मुझे आपकी फाइल अपडेशन के बाद दे दीजिए, तो मैंने देखा कि आपको 1,13,000 का अमाउंट है, तो 6,000 के अमाउंट के सर आपको जो है फाइल आगे ना जाए, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया था। तो आपके जो सीनियर है, आपके सीनियर मतलब कौन है, आप क्या पोस्ट है, उनकी क्या पोस्ट है बताएंगे? तो देखिए मैनेजर हूँ मैं, उनसे बात उनको मुझे एक्चुअली आगे जो है फाइल फॉरवर्ड करनी थी, तो मैंने इसी रिगार्डिंग आपको कॉल कर लिया। अच्छा, तो आप मैनेजर हो तो आप सीनियर मैनेजर को फॉरवर्ड करोगे? अच्छा ये बात है, तो सीनियर मैनेजर साहब से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो एक्चुअली पता क्या हुआ, फिर वो आगे सीनियर वाले के पास लगी है, जो भी होगा मतलब वो बता देंगे अगर आपके पास उनके से कॉल आता है। ठीक है, अभी के लिए तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके हेलो, हेलो, हाँ जी हेमंत शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ बताइए सर, मैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से आपसे बात कर रही हूँ। आपके कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है सर 5 महीने से, पेमेंट कब कर रहे हैं आप? मैडम पेमेंट आपका करेंगे कुछ आपका नाम मैडम? खुशबू। खुशबू मिस खुशबू, आपकी पेमेंट कर देंगे कुछ 15-20 दिनों के बाद। सर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं क्या? नहीं मिस खुशबू, मैं सेटलमेंट मैंने तो बोला ही नहीं सेटलमेंट के बारे में। मुझे सर मैं कंफर्म कर रही हूँ बस कि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, टोटल अंडरस्टैंडिंग पे करेंगे। मैडम आउटस्टैंडिंग होता है वो, मैडम आउटस्टैंडिंग हम या तो करेंगे इसको अगर अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो फोरक्लोज कर देंगे, वरना पूरा करेंगे। आपका टोटल अमाउंट आ रहा है सर 1,34,385। 1,64,000 कितना? 34,000, 34,385। ठीक है मैडम, इसको या तो फोर क्लोज कर देंगे, और अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ ढंग से पूरा तो प्रॉपर होगा तो इसको क्लोज करेंगे। तो कब करेंगे सर? मैडम 20-15 दिन बाद। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो नेक्स्ट मंथ जा रहा है सर राइट ऑफ में। अच्छा राइट ऑफ में जा रहा है मैडम अकाउंट? जी। ठीक है मैडम, तो आप 15-20 दिन रुक जाओ सर। इतना रुक लिए 5 महीने, 15-20 दिन और बोल रहे हैं आप? मैडम वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब इतना रुक लिए तो थोड़ा और सही, जब मैडम एक गिलास चाय पी लिए तो आधा कप पीने में क्या अर्ज है? क्या मैं कह रहा हूँ मैडम, जब इतना रुक लिए तो थोड़ा और रुक जाते हैं। तो आप मुझे कंफर्म बताओ कि कितने दिन में अरेंजमेंट? मैडम सेटलमेंट कौन से किधर बैंक, कौन से बैंक से बोल रही हो? एक्सिस बैंक से सर। सेटलमेंट मैडम अगर हम कराना चाहें तो कितने में हो सकता है वैसे? आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो सर 1,07,000 है समथिंग, 685। हाँ मैडम 50% में होगा सेटलमेंट, नेक्स्ट मंथ करवाओगे तो 15-20 दिन बाद।
अभी नहीं करवाओगे तो कम मैडम, में हो जाएगा, कितने अभी कितने में होगा? मैं बता देती हूँ आपको। चालीस हजार में हो जाएगा। आपका दो अकाउंट है ना सर? हाँ मैडम। तो आप एक अकाउंट का नंबर आ रहा है 4625, इसका है। हाँ मैडम। चालीस हजार में हो जाएगा सेटलमेंट। दूसरा का अमाउंट कितना है, दूसरे वाले कार्ड का? दूसरे वाले कार्ड का अमाउंट कुछ ध्यान नहीं आ रहा मैडम मुझे, क्योंकि उसका आउटस्टैंडिंग बढ़ गया होगा ना। तो दोनों अकाउंट को क्लोज कराना है ना आपको? हाँ दोनों को करवाना है मैडम, दोनों को बता दो आप। तो आप पहले मुझे बताइए कि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं या आप टोटल अमाउंट पे करेंगे, फिर उस हिसाब से बताऊंगी आपको। सेटलमेंट का पूछ रहा हूँ अभी तो। अभी तो मैंने एक कार्ड का बता दिया आपको, 4625 वाले का 40,000। दूसरे का अमाउंट बता दीजिए आप कितना तक है, तो मैं बता दूंगी। मैडम ध्यान नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है मैडम, तो मैं इसको ना आप मान के चलो 15-20 दिन बाद इसको फोरक्लोज कर देंगे। फोरक्लोज करेंगे आप? 15-20 दिन सर बहुत टाइम हो जाएगा, इसी महीने के अंदर करवाना है आपको फोरक्लोज। मैडम मैं ट्राई करता हूँ, 10 दिन बाकी है। आप अरेंज कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कब कॉल करना है। मैडम आप मुझे कॉल करना है, काम करो, आपको मैं फिक्स बताऊंगा 5 बजे। ठीक, मैं 5 बजे कॉल कर लेती हूँ। ओके मैडम। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।